गिया रोल रावल, गिया रोल रावल, विच रो हिरावे, गिया रोल रावल। आज बहावन मामा एक ऐसा इंटरव्यू करने जा रहे हैं जो शायद इससे पहले जमील परवाना या उनकी शख्सियत के बारे में शायद कभी हुआ हो। कड़वा सच, हाँ कड़वा सच जाना आज मुकम्मल होना चाहिए। हमारी फैमिली जो है ना शिकारपुर सिंध से नवाब साहबान के साथ यहाँ शिफ्ट हुई। रेडियो लाहौर के कुछ वहाँ ऑफिसर बैठे थे तो उन्होंने कार्ड दिया कि आप सुबह रेडियो पाकिस्तान लाहौर आ जाए, तो मुख्तार पर सारी रात मुझे नींद ना आई खुशी से। जमील भाई, अल्लाह ताला ने आप दोनों भाइयों को जो एक सुरीली आवाज़ होती है उससे नवाजा, तो आज नसीर भाई हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, तो उनकी कोई जाने के बाद क्या महसूस करते हैं? चलिए जैसे कहते हैं ना कि एक हिस्सा कट जाता है, ऐसा महसूस जैसे एक बाजू कट गया हो। दूसरा यह है कि हम यक जान तो कालिब दो कालिब थे, जो मस्तान साहब मुँह से बात निकलते मुझसे मेरी आवाज़ मुझसे भी वहीं निकल जाता था। जहाँ गाने में वो सांस लेते थे मेरा गाना सांस कुदरती वहीं से कट होता था। हमने अपने माँ मांगी, एक माँ है एक बाप है, सगे भाई भाई हैं हम, एक खून है ना, मेरे वो बड़े भाई थे। और मैं समझता हूँ कि मैं उनको मुकाबले में कुछ नहीं हूँ, तो मैंने जो कुछ किया है पाकिस्तान में या रेड पाकिस्तान पे नसीर मस्ताना की आवाज़ को प्रमोट करने के लिए किया मैंने, क्या क्योंकि मेरा भाई नसीर मस्ताना जो है ना जो थे वो मस्त मलंग आदमी थे। मस्त मलंग मसान मुराद ये है कि वो आवारा थे, वो माशाल्लाह 16वें सकेल के अफिसर भी थे मलिया में और एजुकेटेड थे, और जब रिटायर हुए तो उनका 16वें सकेल था तो अफिसर भी थे वो, लेकिन वो बड़े बस्त होकर गुजारते थे, बस किसी के साथ ज़्यादा बात ना करना। तो उनकी आवाज़ नेचुरल आवाज़ थी, मुझे आवाज़ बनानी पड़ती है, उनकी आवाज़ नेचुरल थी। मैंने उसकी आवाज़ को प्रमोट करने के लिए मैंने तगोदाव की, ये रेडियो ये टेलीविज़न ये स्टेज ये प्रोग्राम, सिर्फ उसी आवाज़ को मैंने प्रमोट किया जो मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ। और नसीर मस्ताना के साथ मैं भी मैच करके उनके साथ भाई थे अब, तो हमने मेरा मेन मकसद अपने भाई की आवाज़ को प्रमोट करना था। और जो नसीर मस्ताना साहब ने दौड़े में अपना अंदाज एक बनाया वो पाकिस्तान में किसी ने नहीं बनाया। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं यहाँ, वो दौड़े गाते हैं, वो मखसूस रागों में गाते हैं, भैरवी में तेलंग में जोग में। तो मेरे भाई की ख्वाहिश थी कि जितने भी राग हैं मैं हर राग में दौड़ा कहूँ। वाह, जैसे एमन में है, बगेशरी है, एमन है और मुख्त पहाड़ी है, तो उसमें मस्ताना साहब ने हर राग में दौड़ा के पेश किया और दौड़ा गाया और बहुत अच्छा दौड़ा गाया। अच्छा जमील भाई, माशाल्लाह मुझे जहाँ तक याद पड़ता है और भी नहीं तो 50 ईयर्स होने वाले होंगे आपको फन की दुनिया में, बस 70 से काउंट कर लेना। वैसे मैं मेरी भी उम्र भी ये थी, अब लोग पता क्या अब बुज़ुर्ग मुझे बोलते हैं ना बुज़ुर्ग मेरी उम्र से भी बड़े, तो मुझे कहते हैं सही असर छोटे जे हाथ से तो सोड़ा लगे हैं वह मैं अदर मैं बोल मैं अमन पेट जुगाना आया मैं कि नहीं भाई, असल में मैं एग्ज़ाम 1973 में मेरा एग्ज़ाम था, FA का इम्तहान दे रहा था मैं उस वक्त, और इंग्लिश का पेपर था। जब मुझे रेड पाकिस्तान मुल्तान से कॉल आई तो आप आ जाएँ, तो मैंने वो पर्चा छोड़ दिया। बाद में मैंने वो कंपार्टमेंट जान दिया, फिर कामयाब हुआ तो मैं फिर पर्चा छोड़ गया। इसका मतलब ये थी मेरी भी 16-17 साल की उम्र थी, ज़्यादा तो उम्र नहीं थी, 12वीं पढ़ता था तो क्या उम्र होती है। तो उस वक्त मेरी दाढ़ी नहीं निकली थी, बच्चा था जब मैंने पहला गीत गाया तेरा रुख माता अब दिले खड़ के थे कदाना कदे तबाना तू खुश पिया उसे शाला तूने वे लंघिया त्यान तती दिवे यार सदन मिला वह यार ओ खुश पिया उसे शाला। वाह वाह। अच्छा मैं असल में ना मैं कहने का मतलब ये था कि माशाल्लाह 50 साल होने को हैं,
आपने पाकिस्तान के तकरीबन मेरा ख्याल है जो वज़ीर आज़म गुजरे हैं या प्रेसिडेंट गुजरे हैं, तो आप लोगों ने उनके सामने अपने फ़न का मुजाहरा किया, बल्कि मुझे ये भी मालूम हुआ है कि कुछ वज़ीर आज़म या सदर तो बकायदा जब भावलपुर पे विज़िट पे आते थे तो वो कहते थे कि जी हमें ये वाले फ़नकार चाहिए, हमने इनको सुनना है, इंजॉय करना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना कुछ होने के बावजूद क्या वो वजह है कि आज तक, अब मैं देखता हूँ कि जुमा जुमा आठ दिन होते हैं, फ़नकार आते हैं, उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल जाता है, आपको 50 साल होने वाले हैं, बड़े बड़े लोगों ने, इतने टॉप की जो हमारी सियासतदान है उन्होंने सुना, क्या कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि जी आपको ये एजाज़ बख्शा जाए जो कि आपका हक है, बुनियादी हक है आपको? सबसे बड़ा एजाज़ तो पहले भी मैंने बाहुल्ला में वर्ष किया था आपके इंटरव्यू में, सबसे बड़ा एजाज़ तो आवाम की मोहब्बत है जो आज तक ख़त्म नहीं हो रही, नहीं होती। तो जब ये अवार्ड जो है ना, ये दुख हमें भी है, इस बात का अफसोस है हमें कि चाहे पठाने खान हो चाहे कोई आर्टिस्ट हो, उनके एक या दो गीत ऐसे हैं जैसे काफ़ी जो हिट हैं, जो हिट हैं उन पर उनको अवार्ड मिला, माशाल्लाह हैं, लेकिन हमारे इतने गीत हिट हैं, इतने गीत हिट हैं और पूरे मुल्क की सतह पे है ना, लेकिन हमें जो है ना अवार्ड से महरूम रखा गया। फिर ये हो गया सिफारशी अवार्ड, जो MLA हजरात जो वजीर जो सिफारिश जिसकी करते थे उसको अवार्ड मिलता था, हमें अवार्ड इसलिए, जबकि पठाने खान के बाद इस इलाके से हमारा हक था, पठाने खान के बाद हमारा हक था, बिल्कुल हमारे बेशुमार गीत ऐसे जो अब भी लोग गा रहे हैं एनर्जी, तो हमें नहीं दिया गया, तो उसमें मायूस नहीं है, दुख है इस बात का, मायूस नहीं है हम, बिल्कुल आपके साथ साथ जमील भाई हम जैसे लोग भी दुखी हैं कि आप हमारे खित्ते की वो आवाज़ हैं कि जिसे हम आज भी शौक़ से सुनते हैं, बल्कि आज की मौजूदा जो नस्ल है वो भी बड़े शौक़ से सुनती है, और आपको मतलब कि मैं समझता हूँ कि आपका जो फ़न है वो, हालांकि उसके आगे ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ये हकीर लगती है, बिल्कुल वो छोटी है आप जितने बड़े लेवल के फ़नकार हैं, लेकिन भाई दुख इस बात का है कि एक फ़नकार की जो पसीदाई है उसको, उसके फ़न को एक लेवल पे नापा जाता है, उसको सराहा जाता है हुकूमती सतह पे, वहाँ तक आपका नाम ना आना ये बहुत बड़ी ज़्यादती है बल, लेकिन वही बात है कि जो आवाम के दिलों में, चाहे वो पाकिस्तान में मौजूद हैं या पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद हैं, वो जो जिस कदर आपके फ़न को देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, वो वाकई एक बहुत बड़ा एक आपके लिए ख़जाना है। अच्छा जमील भाई, ये तो एक बात हो गई हकूमती सतह पे, आप ने एक जब भावलपुर रियासत थी तो उसका एक बड़ा मशहूर एक धुन होती थी, खड़ी देंदियाँ सनेड़ाइना लोगों को, इसके पस मंज़र में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा पता चला था कि जी इसमें भी कहीं आके आपके साथ कोई डंडी वगैरह लगी थी। डंडी लगी थी, बहुत ज़बरदस्त डंडी लगी थी। तो कॉमन सेंस की बात है सर, ये जो हमारा स्टेट रियासत भावलपुर का मिली बैंड है, कौमी बैंड, इस पर फोर्स परेड करती थी फौजी, डन 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 डन, ये बैंड थोड़ी देर फौज मार्च करती थी, तो इस पर गीत लिखवाया गया, उसके बोलते खड़ी नहीं दिया सनेड़ा इन लोगों को। अब ये गीत जो है या धुन है ओनली रियासत भावलपुर की बैंड धुन है, नॉट मुल्तान, है ना, मुल्तान के गुलूकार हों या मुल्तान का कोई बंदा हो वो तो इस गीत के धुन से वाकफ भी नहीं है, ठीक है ना, जब मुल्तान रेडियो भावलपुर नहीं बना था, जब हम ये गाना हासिल किया नवाब साहब के पुराने मुलाजमीन से, तो हमने इसमें तरमीम की, कुछ अपने तरफ से शेर लगाए, इसकी धुन तैयार करके जब मुल्तान पहुँचे रिकॉर्डिंग के लिए, तो वहाँ के मुतासिब प्रोड्यूसर था मलिक अजीज़ुर्रहमान, जिसका नाम था जो मलिक और माहर का प्रोग्राम करते थे, तो वो तासुब कर गया, वो हमसे जेलिस था हमारी शोहरत से, तो उसने फौरन हमें पूछे बार सुनिया मुल्तानी कर सब मैडम को कॉल की, वो मुल्तान आ गई रेडियो पे, हमने उनकी बड़ी इज्जत रेस्पेक्ट की, वो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो
बल्ले कसीर जरबान कहने लगा कि ये जो आप गीत आप ना गाए, यानी दूसरे ये आप ना गाए, ये मैडम गाएगी। मैंने सर हम तैयारी करके हैं, ये धुन हमारी है, तर्ज हमारी है और गीत हमारा है, हम कितने अरसे से तैयारी कर रहे हैं, इसकी मुकम्मल तैयारी कर चुके आए हैं, तो आप ये तो जुल्म कर रहे हैं, ये टिकट ही है। उन्होंने कहा नहीं आप प्यार बने, ये है खड़ी नींदियाँ, आप नींदियाँ, ये तो औरत कह रही है ना, आप तो मर्द हैं, जब ये खड़ी नींदियाँ जो है आप श्रेया मुल्तानी कर को दे दें। चूँकि वो मेरी सीनियर आर्टिस्ट थी, मैं आर्टिस्ट है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मुझसे वो सामने बैठी थी, हमसे इनकार ना हुआ तो हमसे छीन कर मैडम श्रेया मुल्तानी कर को गवाया गया। तो हम दिल से तो बहुत रोते रहे, बहुत अफसोस हुआ, लेकिन चंद अरसे के बाद वो श्रेया मुल्तानी के करके गाय गीत पर, यही गीत पर बैन लग गया। वजह ये थी कि किसी ने कहा ये कौमी धुन है सरायकियों की, ये सरायकी का कौमी तराना है, ये कौमी ये गीत नहीं है, कौमी तराना है सरायकियों का, या भागलपुर रियासत का, रियासत का नहीं सरायकियों का। अच्छा हाँ, तो जबकि रियासत भागलपुर की बैठ धुन थी तो उसको कौमी यानी कि बनाया गया, इशू बना के उसको बैन कर दिया गया। हमें मौका मिल गया, हमने लोक विरसा से हमें कॉल आई, अक्सी मुफ्ती साहब ने बुलाया, तो वहाँ उस वक्त थालियाँ चलती थी लॉन्ग प्ले हमारा, चार आइटम इधर चार आइटम उधर, तो हमने कहा वो तो उसके ऊपर तो बैन लगा हुआ रेडियो पर, लोक विरसा में तो बैन नहीं है। तो हमने सबसे पहले वही रिकॉर्ड की जिसकी कंपोजिशन मशहूर गुलकार तुफैल याजी साहब ने की। अच्छा, ये हमारे लिए एजाज की बात है। ये खड़ी देनिया जो सबसे पहले जो उस पर आया धुन हमारी है, तहजीब गीत भी हमारे, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक जो थे, म्यूजिक जो दिया था तुफैल याजी ने रिकॉर्ड किया, आज भी लॉन्ग प्ले में हमारा मौजूद है और म्यूजियम में लोक विरसा के म्यूजियम में हमारा लॉन्ग प्ले पड़ा है। तो फिर हमने रिकॉर्ड की ये अल्लाह हु अल्लाह, फिर हमारे नाम हो गया, जिसकी चीज़ उसका अल्लाह ने वापस कर दी। वाह वाह, यानी इन्होंने ज्यादती की लेकिन अल्लाह ताला ने इंसाफ, अल्लाह ने जो जिसकी थी उसको वापस मिल गई है, अब हमारे नाम से पहचाना जाता है ये गीत भी। अच्छा जमील भाई, अहमदपुर शर्किया जो है वो जोड़ियों के हवाले, फनकार जोड़ियों के हवाले से वो हमेशा पाकिस्तान में जाना जाता है, यानी जमील परवाना, नसीर मस्ताना, आशिक हुसैन, रमज़ान हुसैन, हसीना खानम या हसीना मुमताज़, ये जोड़ियाँ। तो इस हवाले से थोड़ा सा अब इसका मसला समझदारी पहुँच जाए ना, इतहा तक गहराई तक पहुँच जाए ना, कि परवाना मस्ताना लाहौर वाले बना रहे हैं जोड़ी, बिल्कुल सही, ये अहमदपुर के सड़के से जोड़ियाँ कहाँ से आ गई है जी, ये सिर हमारी नकल थी, कामयाब जोड़ी हुई ना, जो कामयाब गुलकार होते हैं उसकी फिर नकल की जाती है, ये नाकाम बनाने की साजिश भी कह सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और है भी सही, लेकिन अल्लाह ने हमें कामयाब किया। तो हमारे देखा देखी सिर्फ ये अहमदपुर शर्के से नहीं, देखो परवाना मस्ताना आए, हसीना मुमताज़ आई हमारी नकल, आशिक रमज़ान आई हमारी नकल, बेंजमन सिस्टर आई हमारी नकल, एस सिस्टर्स आई हमारी नकल, अब तीन अब तीन बहने गा रही हैं वो शेरा तेरा गाँव आवे शहजादा बना जी बोल फैसलाबाद की, वो हमारी नकल, मकसद है मिक्स गाने की जब जोड़ी बनेगी या त्रोड़ी बनोगी तीन बनेंगे तो परवाना मस्ताना की नकल होगी, नकल होगी पाकिस्तान में, ये जोड़ी का गाना मिक्स गाना अलग अलग ना होना, वन टू ऑल अलिफ से लेकर जे तक, ये उसकी जो डबल जोड़ी है ये उसकी बुनियाद जमीन पर हमने की, फिर हमारी नकल आई, ये हमारी नकल आई परवाना मस्ताना बन के आई, हसीना मुमताज़ है, रमज़ान आशिक है, एस बेंजमिन सिस्टर आई, एस सिस्टर आई, आतंक जो आ रहे हैं वो हमारी नकल है। अच्छा जमील भाई, ये कहाँ तक दुरुस्त है कि ये जो जोड़ियाँ अहमदपुर से आपके मुकाबले में लाई गई, ये आपको कोई नाकाम करने की कोई साजिश थी? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हमारे शहर के अब यहाँ से हमारे अफसर हो गुजरे हैं मोहतरम अकरम शाद साहब, उनको कुदरती तौर पे हमसे कुछ ज़्यादा मोहब्बत हो गई, ज़्यादा मोहब्बत हो गई, इतनी मोहब्बत हो गई कि नफरत में तब्दील हो गई। वो कुदरती तौर पर वो उनके मिजाज को शायद हम नहीं लगते थे या पता क्या, उनकी ज़्यादा परवरिश करते थे हसीना मुमताज़ और आशिक रमज़ान को। दोस्तों, जमील परवाना से गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी है, ये एक तवील इंटरव्यू है जो कि तकरीबन 8 से 10 एपिसोड पर मुश्तमिल होगा, उम्मीद है आप इसे देखते रहेंगे और हम इसे डेली की बुनियाद पर अपलोड करेंगे। शुक्रिया।